Hi guys, assalamu alaikum, welcome back to a new video. So, अभी मैं आया हूँ समदानी को स्कूल छोड़ के. तो अभी मैं जाता हूँ ऊपर, देखता हूँ नाश्ता वगैरह का क्या सीन है. कल जो बटर लेने गया था वो बटर में लिटरली ऑयल की बास आ रही. अब देखते हैं, कल तो मैडम ने बोली थी मेरे को रिटर्न करने, बट हम लोग कल निकल गए थे. तो देखते हैं अभी जाके थोड़े टाइम में जाके देखता हूँ, अगर वो रिटर्न होता है तो ठीक, नहीं तो फिर क्या कर सकते हो देख लेंगे. तो मिलता हूँ मैं आपसे. तो गाइस अभी मैं गया था रिटर्न नीचे. मैंने बोला था ना आपको कि वो चेंज कर रहा था, एक्सचेंज करके मैंने दूसरा भी सामान ले लिया. दूध लेके आया, मस्का लेके आया, अभी जाके ऊपर नाश्ता करते. और हाँ, आज कल एक कमेंट पढ़ा था मैंने कि कैफ शी ऐसी उठा, ब्रश नहीं किया. तो भाई कल से मैं बाथरूम में बैठूंगा ना, मैं वो भी दिखाता हूँ फिर, ठीक है. तो कुछ कुछ चीज़ें होती है गाइस जो नहीं कैप्चर कर पाते. अभी हर चीज़ तो कैप्चर नहीं करेंगे ना, चाहिए तो फिर बाथरूम में बैठी हुई चीज़ें भी कैप्चर करनी पड़ेगी, ठीक है. चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी. आज मेरा काम एक घंटे से पहले हो गया, मस्त नहा वाली, घर का काम भी कर दी, सब नाश्ता करने बैठे. तो कैफ लेके आए थे अमूल बटर और टोस्ट पे लगा के खाऊंगी चाय में डुबा डुबा के. और कुछ नहीं, नाश्ता करती फिर मिलते हैं. मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्ने मुन्ने बच्चे. गाइस मीट माय फ्रेंड पप्पया. पप्पन पट्टू पप्पया है मेरा. रात को लगे सो रहा था मेरे बाजू. लिटरली मैं इसको कितने बार बोल दूंगी कि कौन सोया है मेरे बाजू यार. लिटरली इसको देख देख मेरे को इतनी हंसी आ रही है ना. फिर उत्तर में मैंने बोला पप्पन. हाँ ये पप्पा ने. चलो अभी नाश्ता करने बैठ गए. सर जी पिक्चर देख रहे हैं, मद्रासी पिक्चर. खुद मद्रासी बन चुके हैं अभी बॉय एकदम. अन्ना अन्ना चेप माँ, इतनी जल्दी तुमको दाढ़ी भी आ गई. अय्या ये कौन सा बाल काटना हुआ फिर. लोगों का कैसा रहता है दो दो तीन तीन दिन तक ग्रोथ बहुत है. गाइस नमाज पढ़ के हो गया, नाश्ता भी करके हो गया. तभी देखते हैं और क्या करेंगे आज. आज बोला है कि जिम जाना है तो जिम की तैयारी भी करूँगी. अभी नहीं करूँगी, काफ़ी टाइम में 4-5 बजे मेरे को जाना है, काफ़ी टाइम है. तो तब तक तो थोड़ा आराम कर लेती हूँ, थोड़ा रेस्ट भी करना ज़रूरी. और आप लोग को पता लगा नमाज पढ़ने के टाइम पे इतना घुटने में ये वाले दर्द दे रहा है, जो गिरी हूँ घुटने में इतना दर्द दे रहा है कि क्या बताऊँ. अभी फटाफट अभी पट्टी जा नमाज सर, थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर सर मैं असर पढ़ के या फिर असर से पहले जाऊँगी, असर के बाद जाऊँगी, देखूँगी कैसे पूछती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर बाद. देख दबाया ही नहीं अभी तक, एक्टिंग मत कर. अरे दबाया ही नहीं यार, क्या एक्टिंग करती है, बापरे दबाया ही नहीं यार. शिरीन मुंडी तोड़ दूंगा, मत कर. मैं भी ना क्या हूँ, मत कर. तो अरे क्यों, 2 मिनट लगेगा. ऐसी ही कर, देखिए गाइस ये ऐसे ही करता है, इसको कुछ दिख जाना चाहिए मेरे चेहरे पे बस. से बंदर अपने बच्चे को पकड़ के ना चुनता. मत कर. और नहीं तो देखो कैसे पागल हरकतें कर रहा है जी. चीज है क्या जो कर रहा है. सो गाइस जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले मुझे देखा कि मैं बोली थी मैं जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए, बट मेरे को रेस्ट करने नहीं मिला क्योंकि जैनब का फ़ोन आ गया था कि एक्चुअल मैं अम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब है और अम्मी कहीं एडमिट हुए, तो हमको बता नहीं रहते, गुस्सा है हमसे थोड़ा. होता है माँ तो गुस्सा होती ही रहती है बच्चों से, और किससे बच्चों से नहीं लड़ेगी तो किससे लड़ेगी, है कि नहीं. चाहे हमारी माँ हमको कुछ भी बोले, लोग कुछ भी सोचे कि हम लोग बुरे क्या है, वो हमको फ़र्क नहीं पड़ता.
अब आदत सी हो गई है, तो अभी हम जा रहे हैं अम्मी के पास देखने के लिए. अम्मी एग्जैक्टली है कहाँ. हम लोगों को तो जजमेंट हमने पहले ही लगा लिया था कि अम्मी वहीं होगी, बट अम्मी सबको अलग 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 दिशा बता रही कि मैं यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, ये वो वगैरह वगैरह. तो इस वजह से तो अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पर हमने सोचा वहीं जाएंगे हम. तो मैंने ये वाला ड्रेस पहना है और कैफ यहाँ पर. और बिना तो मतलब के ना लोगों को जज करना बंद कर दो. यस सो पहले थोड़ा सोचो फिर जज करो यार. हम लोग एकदम बुरे नहीं है और असलियत थोड़ी छुपा के चलना पड़ता है. क्या मेरी हील्स ना असलियत थोड़ी छुपा के चलना पड़ता है. होलिका देखो हील्स पहन के बैठने. क्यों मैं नहीं बैठी कभी. तो चलती हूँ मैं आप लोग से मिलती हूँ थोड़े टाइम बाद. या रास्ते में कहीं मिल गई तो मिल गई, क्योंकि मेरे फ़ोन में भी चार्जिंग इतनी नहीं है और ब्लॉग भी एकदम फटाफट अपलोड हो रहा था. हो गया ब्लॉग भी अपलोड हो गया. और चलो मिलते आप लोग से वहाँ जाकर. और हाँ आकर आप लोग को इंशाल्लाह मैं ये वाला जो रेड वाला फाउंडेशन है ना वो बता दूँगी. ठीक है अभी नहीं बता रही तो प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लेना. हम लोग बाइक में डाल रहे हैं पेट्रोल और अभी जैनब और भाई चंद आगे निकल गए बगमैन पे और अभी हमने डाल दिया बाइक में पेट्रोल. चलो पहुंच चुके हैं जू. अरे वाह बोट चल रही है क्या यार. चलो अब उन पहले बार बैठे थे यार. संदानी तो बीमार ही पड़ गया था, इतना छोटा था संदानी. क्या मजे कर रहे. देना देना चल ना बोट में. क्या भाईजान और के अंदर जा रहे हैं देखने के लिए. किसको देख रही है अब किसको. हाँ वहाँ भाई किसको बाइक बाइक तू इधर ही नहीं करा. लड़की है गाइस बहुत बेकार है. किसको पब्लिक दिख रही तो बोलती यहाँ पर शूटिंग चल रही है. धूप में कितना अच्छा आ रहा है. आ जा मैं तो कितनी अच्छी दिख रही हूँ गाइस. मैं असली में अच्छी दिखती हूँ, ये बेकार दिखती है. अभी आप इसको बड़ी पंचायत है यहाँ पर इतने लोग दिख रहे ना. तो ये ना हक्की पक्की हो रही देख देख के. बोले कि क्या हो रहा है. देखो जब तक टिटो रही है ना तब तक सुकून नहीं मिलने वाला. तो ये कही अभी अंदर भाई जान और कैफ गए हैं देखने के लिए. हम लोग तो नहीं गए, हमको गाली नहीं सुनना है. पहले ये लोग सुने फिर उसके बाद में हम लोग जाएंगे. तो हम लोग आगे जाके थोड़े घर पे. सर एक्चुअल में ना ये सब है ना यहाँ पर इंटरव्यूज होते हैं. और अभी हम लोग ने ना दो तीन लोगों को भी देखा जो क्राइम पेट्रोल में लड़कियाँ जो भागती इधर से उधर, वो लोगों को भी देखा. तो अभी वो लोग भी जा रहे थे. आगे हमारे बाजू में तीन चार लड़के लोग खड़े थे. और तीन चार लड़के लोग खड़ के ना मतलब वो लोग से जैनब ने बात किया, भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पर. तो बोले इंटरव्यू ये सब दे रहे हैं फिल्म का. तो जैनब बोली देखते को बोली ना. और मेरे को बोलता मेरे को रावण का लुक मिलेगा. मेरे को बताओ गाइस मैं रावण दिख रही हूँ लुक. बताओ क्या बोलूँ यहाँ पर. हाँ हाँ धनुष की फिल्म की साउथ फिल्म की उन लोग ने इंटरव्यू अभी दी है बेचारे लोग. मैं जैनब बोलती कोई. हाँ जैनब बोलती कोई कोई लोग सोच सोच के एकदम ज़्यादा ये भी हो जाते रहेंगे. यस क्योंकि इतना मतलब लोग इतने आज से आते हो गए और इतने प्यार से लोग इंटरव्यू ये सब देते रहेंगे फिर उसके बाद में कैंसिल कर देते हो. बेचारे लोग इतना भागम दौड़ी यहाँ से जाओ वहाँ जाओ. और इतनी मट्टियाँ हैं यहाँ पर. इतनी मट्टी कि क्या बताए. बहुत मट्टी है एकदम. धूल तो चिड़क चिड़क उड़ रही जा रही है, उड़ी जा रही है. अच्छा वो क्राइम पेट्रोल वाली लड़की किसी चीज़ है ना जिन्हें बोलती ये क्राइम पेट्रोल में. उसके मुँह पर पूरा वो लड़की इसका ऐसे देख रही है. लड़का भी गया देगा. लड़का भी पहले देखेगी. लड़का भी गया तो अभी. हाँ स्मार्ट था बहुत. हैंडसम था बहुत. गोरा फीचर्स अच्छे थे. और अभी तो आप लोग को बताते जो मुझे बोला रावण का लुक. ये लोग ये पिंक टी शर्ट वाला भाई पर हो रहा है मेन इंटरव्यू. और यहाँ पर बहुत सारे क्राइम पेट्रोल वाले जो वर्क करते ना इतने दिख रहे कि जिसकी कोई याद नहीं. और जैनब तो इतने गौर से और इसके आदमी इतने गौर से क्राइम पेट्रोल देखते तो इसके लिए इसको मालूम है कि क्राइम पेट्रोल में कौन आता है. मुझे मारने का प्लान करता है, मैं उसको मारने का प्लान करता हूं. सुन लो आप लोग. तो अभी हम यहाँ बैठे
और ये लोग दोनों जन गए अंदर हॉस्पिटल पर। अभी यहाँ पर हम लोग बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, फिर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। इतने लोग आ रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, इतने लोग बेचारे लोग को इधर से इधर भगा रहे। जैनब कब से वही देख रही है, और जैनब बोलती कि कितना बेचारे लोग यहाँ से वहाँ से आप भगा रहे, किसी को सिलेक्ट भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं, क्योंकि सब लोग एकदम मुँह लटका के वहाँ से निकल रहे, फिर जा रहे दूसरे जगह इंटरव्यू देने, फिर वहाँ से आ रहे, फिर वापस यहाँ भाग रहे, वहाँ भाग रहे, कितनों की तो चप्पलें घस जाती होगी यार लिटरली। अभी अंकल जा रहे थे बहुत हैंडसम, तो इतना मतलब वो लड़की लोग, हाँ देखना यहाँ अभी वो लड़की भी जा रही थी ना एक औरत, उसके ना पूरी चप्पल ना घस गई, पूरी चप्पल घस गई, एकदम ऐसी हो गई वो बेचारी। वो आई ऐसा स्माइल आई एक, फिर यहाँ पर गई उसकी स्माइल उदास हो गई, फिर वो वहाँ पर गई फिर स्माइल उदास हो गई, बहुत हालत खराब हो गई बीच वालों को देख देख के। अच्छा नहीं लग रहा है यार, बार मैं मतलब मैं अभी अंदर जाऊंगी, पहली बार ऐसे तो बाहर सलामी दी थी हजरत सैयद शुक्रुल्ला शाह बाबा आ चुकी हूँ मैं, तो आप देख सकते हो माशाल्लाह। और कैफ हाँ तो गुलाब लो या तो चादर लो, तो ले लो, क्या लो तुम्हारे हिसाब से ले लो जो सही लगे जाओ। चादर या आप कुछ देखेंगे अभी लेने के लिए, हम अंदर जा रहे हैं, नगाड़ा हो रहा है अभी। नमाज तो हो गई, मैं नमाज ही पढ़ ली ना, हाँ मैं पहली बार बताई थी मैं नमाज ही बोली, और माशाल्लाह इधर इतने लोग मुझे मिले, और एक लड़की इतनी प्यार से ही बोली मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे आप लोग बहुत पसंद हुई है, वो बहुत अच्छा लगा। पहली बार आई हूँ मैं, बहुत सुकून है, बहुत सुकून, बहुत अच्छा लगा। क्यों हाँ यहाँ पे औरतों का बैठना मन है, ठीक है मैं नहीं बैठते, तो बहुत अच्छा लगा। अभी जैनब नमाज पढ़ रही है, वो भी आ जाए निकलते हम लोग। बच्ची पिन पिन की हाथ आगे करके डाल, हाँ डाल, हाँ आगे आगे करके डाल, हाँ मेरे हाथ छोटे आपका, तू भी छोटी छो तुम डालो, वो मैं मेरे लिए वो चना वो मैं डालूंगा, वही सबसे शौक से बस डाल रही है, डाल देना डाल। और कैफ तो खड़े रह गया, बाप रे चिल्लाएंगे ना कोई, चने यहाँ पर जैनब का रिएक्शन आप देख सकते हो, दरगाह से निकल के फिर से आ गए अम्मी के यहाँ पर हॉस्पिटल में, और मिले और अभी अम्मी भी डिस्चार्ज ले रहे, निकल रहे हम लोग बाहर, तो आपसे बाहर मिलते हैं। चुके पीछे अम्मी की गाड़ी आ गए, हम लोग उधर ठोकने के लिए आ रही है हम लोग को, जैनब और हस्बैंड और उससे पीछे नसरीन दीदी और अकबर भाईजान, बताओ क्या बोलो मैं आप लोग को, घर पहुंच के मिलते हैं जायका सेंटर, नाम पूछी ना तू, अरे पूरा बोलो ना। अच्छा तो अभी गाइस हम लोग आए खाना खाने के लिए जायका सेंटर, लास्ट टाइम भी हम लोग यहाँ पर आए थे, ये सभी इसी सेक्शन में बन चुका है, ये सनी भाई जो यहाँ पर वर्क करते हैं और हम लोग को बहुत अच्छा ट्रीट यहाँ पर वो दे रहे, क्या दे रहे सर्विस दे रहे, यहाँ पर देख सकते जायका सेंटर। और अभी प्लेट आई है कुछ मस्त ब्लूबेरी मोहितो, अरे ब्लूबेरी गोटी सोडा, सोडा गोटी जो भी है।
ले पकड़। पहले आई थी तंदूरी, दिखाना भूल गया, खा लिए और खत्म हो गया, अब याद है। और ये जिंजर गार्लिक चिकन, और ये टूटी सोडा, और ये मोटी सोडा। सो गाइस अभी आए हैं चिकन लाहौरी और ये है नल्ली निहारी, और अभी आ रही है बटना बटर कमाची। अभी देखो गाइस आई है बटर कमाची, बटर ही बटर, हमें सिर्फ यही खाऊंगी। जिम जाओ, जिम जाओ। बात बताइए। यस, बहुत मजा आ गया खाना खा के, और यहाँ का खाना तो हमेशा बेस्ट ही होता है। और यहाँ पर बाजू में ही एक चाय वाला भी है, तो वहाँ की चाय जड़ तू दे दी, बहुत टेस्टी। बहुत चलो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और अगर आप लोग जरूर वर्सोवा आओगे तो यहाँ पर जरूर विजिट करना, मैं भी आप लोग को बाहर का बोर्ड भी बताती हूँ। सो गाइज ये है कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, और यहाँ पर है प्लेटर, और ये 199 में प्लेटर आपको मिलेगा, चाइनीज प्लेटर, बहुत ही सस्ता, और बहुत सी चीज़ें मिलेगी इसमें, चिकन लॉलीपॉप, बहुत बहुत वेराइटीज़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी रिजनेबल रेट है, और चिकन क्लासिक शोरमा रेगुलर चीज़ वाला, अपने इधर चीज़ वाला लेने जाओ तो नहीं बोल के भी 150 तक आता है, 160 या 150 तक, बट बेस्ट टेस्ट के साथ आपको इतने सस्ते रेंज में मिल रहा है, और बहुत अच्छा जायका सेंटर यहाँ पर देख सकते हैं ये, और यहाँ पर ये जो आप लोग आओगे तो ज़रूर यहाँ पर एक बार विजिट करना। यहाँ का जितना भी खाना है, जो भी खाना है, सब टेस्टी और सब यम है, बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छा खाना। और यहाँ का बटर, वो कैसे बटर नान था ना कमाची थी, हाँ मैं वो मैं भूल जाती, मेरे को थोड़ी बिल्ली की बीमारी, बट वो कमाची टेस्ट करना है यार, बहुत टेस्टी है। और अभी वो नया एक और खिलाए थे चिकन, क्या था जिंजर गार्लिक, चिकन जिंजर गार्लिक, वो भी बहुत यम था। और यहाँ पर तो जो भी खाओ बहुत यम, और इतने बड़े बड़े पीस थे चिकन के, बहुत टेस्टी था। तो चलो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। घोड़े की हाइट देखो यार, क्या ही प्यारे घोड़े हैं यार, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ओह चुनक 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 चल रहे हैं, छिनक छिनक चल रहे हैं, छिनक छिनक। मेरे को भी घोड़ा लेना सर, मैं अब बिल रखूंगी। अभी देखो मिला हमको, और ये है सोनू निगम का घर, देखो उसके अंदर कितना मान रहा है, उसकी फोटो भी लगी थी, कलर भी लिया था। हां नाइस कपल गोल्ड, लालम लाल है। मेरे को वहां पर का डुप्लेक्स दिला दो प्लीज, कैब मुझे डुप्लेक्स दिला दो, मुझे भी आ रहा है ना, मुझे का डुप्लेक्स दिला दो। अच्छा गुरुद्वारा, इसके लिए इधर इतना सजा है। पहली बार देखी ना? यस। देखो वाह, लाइटिंग ही लाइटिंग। कुनाफा वर्ल्ड, और ऐसे जाते थे दिख गया तो मैंने बोली देखो कुनाफा, तो भाई बोले यहीं रुको रुको रुको, खाएंगे खाएंगे खाएंगे, तो अभी यहीं रुके और सारे अंदर, और जैनब यहाँ बैठी है, कैफ कैफ की हवा टाइट हो गई है, बाइक चला चला के हाथ दुख गया उसका। ओके सो ये चीज़ी है और ये क्रीमी है, भाई जान निकल गए और हम लोग जा रहे हैं माहिर, और लोग मारेंगे स्ट्रीट मुंडी तोड़ी थी, मुंडी तोड़ू वो लोग मारेंगे सीधा, और हम लोग मारेंगे राइट। चलो आप लोग से वहाँ पहुँच के होते हैं काफी। सो गाइस अभी देखो रात के बज रहे 1, और मैं माइंड 1 नहीं बज रहे, टाइम देख लो गाइस, इट्स ऑलमोस्ट 1:25। तो हम लोग बाइंग से आ गए थे कब का, बट शूट नहीं कर रहे थे क्योंकि दोनों के फोन में चार्ज नहीं है, मेरा फोन तो चार्ज पे लगा है, अभी थोड़ी देर समझा नहीं है बैठी। और देखो हमारी प्यारी बिटिया दिखा, ए गुड़िया गुड़िया ऐसा कर, ए समझा नहीं मम्मा, एक पाउट कर ए देख, ऐसा मम्मी ऐसा पाउट कर, इन लोग बता मम्मी ऐसा पाउट,
एक बार ऐसा कर प्लीज और पता है ये मेरे साथ वो एक गेम खेलता आपको देखने का है चंदानी इधर बैठ जा रहा हाँ काजल काजल वाला काजल मुंडी तोड़ू हाँ देखो देखो अच्छे से तोड़ना अरे बैठ तो अरे फोन रख रहा है वो फोन तो रख ले दे ऐसा बैठ के हाँ काजल लगा रेडी एक बार वापे अरे काजल वाला ना वो देख सकते राखी सावंत वाला तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से निकल रहे जा रहे हैं घर पर तो आप लोग सीधा घर पर मिलते हैं मुंडी तोड़ू तेरी मुंडी तोड़ू तेरी मुंडी तोड़ू तोड़ दे कैसा लगा देखा है लड़का मेरे को उंगली कर रहा खुद ही इसको लग सो गाइस घर पर हम आ गए और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी की तबीयत भी ठीक है एक्चुअल में आप भी सब कमेंट करेंगे कि हुआ क्या था तो मैं बता देती हूँ कि अम्मी के पैर में ना अम्मी जब दुबई गए थे तो दुबई में ना अम्मी शॉपिंग कर रहे थे शॉपिंग करते करते अम्मी ने ना एक चप्पल पहने थे वो चप्पल से अम्मी का पैर थोड़ा टर्न हो गया अब जो वो तो जो पैर है ना अम्मी का टो तो वो ना ऐसा क्विक हो गया तो अम्मी को डिस्ट्रैक्ट होता है क्या तो ना जब अम्मी का पैर ऐसा मोड़ा ना तो वो बहुत प्रेशर से मुड़ गया और अम्मी बैठ गए और बैठने के बाद क्या हो गया अम्मी ने बोला कि चलो कोई ना ये लड़का बहुत बेकार है अभी क्या किया मालूम आईना है ना वहाँ पर सामने वहाँ पर बॉक्सिंग करते करते दीवार के आगे गया थोड़ा दीवार पे मार दिया और हाथ पकड़ के वहाँ पर कोने में खड़ा हो गया तो अम्मी का जब पैर ऐसा हो गया तो अम्मी नीचे गए बैठ गए एकदम और बैठने के बाद फिर अम्मी को फिर जैनब ने उठाया बोला अरे चलो चलो ठीक है कोई ना क्यों करके लोग वॉक करने लगा और एक डेढ़ घंटा अम्मी से ना शॉपिंग कर रहे थे तो उस पर इतना प्रेशर आ गया जो क्या है वो क्या अम्मी का हो गया वो इतना सा हाँ थोड़ी सी ना बोन क्रैक हो गई तो अभी वो क्या हो रहा है ना कि अम्मी को एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुगर है तो अम्मी इतना मतलब लाइक उसको तोड़ के रिटर्न जोड़ना बहुत रिस्की हो सकता है तो इस वजह से अम्मी नहीं कर रहे तो थोड़ा मसला वो भी है बस अम्मी के पैर का ही दर्द था और कुछ भी नहीं तो इस वजह से अम्मी थोड़ा एडमिट हुए थे थोड़ा क्या पूरा एडमिट हुए थे और हाँ कैफ 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 प्लीज 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 एक चीज़ का और बहुत लोग का कमेंट आ रहा है मेरे को इंस्टाग्राम पर भी मैसेज आया वो हाँ प्लीज थर्ड ड्रॉर में या फोर्थ ड्रॉर में रेड कलर का किस चीज के थर्ड और फोर्थ ड्रॉर मेरा जो ऑर्गेनाइजर है ना उसके तो अभी कैफ लेके आते तो आप लोग को वो भी बता देती हूँ हाथ यहाँ और अभी मैं तो मुंह धो ही हूँ जैनब के यहाँ पर मुंह धो ली थी मैंने इस वजह से निकाल दिया अब मैं आपको फाउंडेशन बताती हूँ और सुनो हाँ और देखो नीचे ना लास्ट वाला कॉम्पैक्ट है फिट मी का तो जो मेरे को मेकअप आया था गाइस जिसकी आईडी मैंने डाली थी उनने जो कॉम्पैक्ट दिया था नॉर्मली जो मेरा फेवरेट कॉम्पैक्ट है बड़ा वर्जन का छोटा बड़ा वाले का छोटा वर्जन में लगाती हूँ तो लाओ 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 और क्या नाम है इसका दिखाओ जरा लाल वाले का तो ये कॉम्पैक्ट है क्या नाम है मियोन सो ये मियोन फ्लॉलेस व्हाइटनिंग फाउंडेशन विटामिन ई वाला तो आप देख सकते हो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये नेचुरल 21 इसका नंबर है 21 ठीक है और ये बहुत अच्छा रुको मैं भी आप लोगों को ना मांगते हैं हाथ में भी थोड़ा अप्लाई करके दिखाती हूँ और वो लगाने के बाद मैं क्या करती हूँ मेरा जो स्पंज होता है उसको थोड़ा सा वेट करके ये कॉम्पैक्ट लगाती हूँ ये देखो ये वाला थोड़ा पाउडर बेस क्योंकि इसका थोड़ा क्रीमी और पाउडर का बेस इसके लिए देती हूँ कि थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए अपने को चाहिए तो पाउडर बेस थोड़ा अच्छे से सेट कर देता है तो मैं आपको थोड़ा हाथ पे भी अप्लाई करके दिखाती हूँ सो आप देख सकते हो अभी ये मेरा मतलब लाइक एकदम नॉर्मल जो कुछ भी नहीं है तो ये इसका थोड़ा सा मैं ले रही हूँ जो ढक्कन पे लगा मैं वेस्ट नहीं करना चाहती उसको क्योंकि मुझे नहीं मालूम फिर मेरे को बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसे ही होता है क्योंकि कोई चीज़ मेरे को पसंद आती है तो उसके बाद वो मुझे मिलती ही नहीं है तो ये रहा देखो मक्कू ये देखो
ये लगा लिया मैंने और उसके बाद में क्या हुआ, याद आई देखो तेरे बाप की, ये कॉम्पैक्ट मैंने इस पे लगा दिया ठीक है, और बहुत अच्छे से सेट रहता है। और रुक जाओ एक सेकंड पॉज करो। सो आप देख सकते हो गाइस, अभी मैं इसके ऊपर ना ऐसा पानी भी डाल के दिखाती हूँ ठीक है। ये देखो जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ ठीक है। तो अभी मैंने तो इसको एकदम प्रॉपर सेट भी नहीं किया है, फिर भी देखो ये देखो, मैं इसको रब भी करी तो भी देखो कितना प्रॉपर है ठीक है। बस ठीक है, आप लोग ने देखा ये रहा वो कॉम्पैक्ट का आई मीन फाउंडेशन का। तो ये दोनों चीज़ें ना बहुत अच्छी है, ये मैं आप लोग को एक और बार दिखाती हूँ तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, और आप शायद कोई ब्यूटी शॉप पे आपको मिल जाए मियोन करके फ्लॉलेस वाइटनिंग फाउंडेशन, बहुत ही मस्त, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। और ये वाला कॉम्पैक्ट, ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांडेड फिट मी का लो ठीक है, ये ओरिजिनल मेरी तो कलेजे में मुँह आ गया, मुँह में कलेज आ गया। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप फिट मी का लो, तो ये एक्चुअल में फिट मी नहीं है, ये फिट शाइन है किस ब्यूटी का ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग सॉफ्ट एंड स्मूथ ठीक है। मैं देखो मैं ब्रांडेड मेकअप नहीं अप्लाई करती हूँ मकुश, तो मैं ब्रांडेड मेकअप नहीं अप्लाई करती हूँ। और बहुत लोग पूछते हैं कि मक्कू कौन है, मक्कू कौन है, मक्कू कौन है, मक्कू हमारा, बहुत से लोगों ने सही गेस भी किया है, yes. मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। यस yes, और वो हम मतलब एक बर्ड है, मैं आप लोगों को बता दूँ बर्ड है, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं हमारा पेट है जो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप लोग को इसके लिए नहीं बताती क्योंकि देखो कोई ना कोई चीज़ों का ना, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कि हाँ उस दिन मेरा कुछ स्टेटमेंट गलत था, मुझे पता है मैंने बहुत वियर्ड तरीके से जवाब दिया उस चीज के बारे में, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस नहीं बताना आप लोग, आई होप कि थोड़ा समझ जाओ, तो बस नहीं बताना है। और अभी तक वो कैबिनेट यहाँ का लगा नहीं, वो भी लग जाएगा, और बस लगाना था वो, आज लगाना था बट ऐसा अम्मी के यहाँ जाना था, और आज मुझे जिम भी जाना था बट मेरा नहीं हुआ, फिर से प्रंग हो गया प्लान, बट इंशाल्लाह कल मैं जाऊंगी। हाँ yes. कल जाऊँगी तो कल हम मैं जाऊंगी जिम, करूंगी अच्छा थोड़ा वर्कआउट, कल पक्का वाला जाऊंगी। प्लीज़ एक ब्लॉग में ज़रूर कमेंट करना कि दीदी जिम जाओ, दीदी जिम जाओ, तो मैं ज़रूर जाऊंगी याद रख के। तो ये मेरा वादा मैंने पूरा किया, मेरा फाउंडेशन बताना और सब कुछ। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्यार देते रहना, प्यार बढ़ाते रहना। इंशाल्लाह मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड Allah Hafiz. Allah Hafiz. Love you all. Keep supporting.